हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और मेरे यहाँ मतलब झाड़ू पोंछा वगैरह सब कुछ हो गया है, लेकिन संभालना है घर को क्योंकि अभी बच्चे वगैरह सभी सोए हुए हैं और मैं नहा के आ चुकी हूँ किचन में। और ये है संडे का ब्लॉग। तो दही भी इकट्ठा हो गया था, वो उसका मठा भी चलाना था। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है किचन से, बस मठा चलाने की तैयारी हो रही है। और ठंडा पानी तो नहीं डालना क्योंकि सादा सिंपल पानी ही डालना है, उससे जल्दी निकल आता है क्योंकि सर्दियों का टाइम हो गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने स्वेटर डाल लिया है क्योंकि सुबह सुबह के टाइम तो थोड़ी सी सर्दी लगती है, उसी टाइम मैं स्वेटर डाल लेती हूँ। और ये मैंने दही चलाने के लिए रख दिया है मठा। तो जब तक मैं किचन के मतलब जो काम करूँगी, जब तक ये चलती रहेगी मशीन और घी निकल आएगा तो इसे बंद कर दूँगी। तो बच्चों के लिए बस नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में आज संडे है, तो संडे को ऐसा कुछ ज़्यादा है भी नहीं। तो चने और मोठ मैंने गलाई थी, बस उन्हें ही हल्के से तेल में छोंक दूँगी। और जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें खीरे, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह काट के बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर दूंगी। और मॉर्निंग में तो सुबह सभी बच्चे दूध पीते हैं, मेरे बच्चे चाय नहीं पीते हैं। जब तबीयत ख़राब होती है जैसे कि जुकाम वगैरह हो जाता है, तो मैं अदरक और एक लौंग डाल के हल्की सी चाय पत्ती डाल के उनके लिए बना देती हूँ, लेकिन नॉर्मली दूध ही पीते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा दूध भी आ चुका है। तो एक तरफ़ मेरा दूध गर्म हो रहा है और एक तरफ मैंने छौंक दिए हैं चने वगैरह। और ये मैं अपने लिए चाय छान ली है, तो बस आराम से बैठ के सीढ़ियों पे मैं चाय पी रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बड़े गिलास में ही छान ली थी क्योंकि नहीं थोड़ी सी है तो चाय सी मैं कर लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से चाय पी के अपने रूम में आ गई हूँ। और पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह तो हो चुका था, लेकिन जब तक साफ़ सफाई ना हो क्योंकि बच्चे वगैरह सो रहे थे, लेकिन अब उठ चुके हैं। तो बस जब उठ चुके हैं उसके बाद मैंने चादर वगैरह मतलब ये सारी फटकार के पर्दे वर्दे सब सही कर दिए थे क्योंकि छोटे मोटे बच्चे हैं ना, तो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं तो मतलब काफ़ी टाइम लगता है। तो ये देखिए बड़ा बेटा, तो संडे छुट्टी है लेकिन इनकी नहीं छुट्टी है, इन्हें तो अपनी रेगुलर पढ़ाई करनी ही है। तो बस आ चुके हैं अपने पेस्ट वेस्ट करके और रूम में। तो बस ये अपनी केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ में से तीनों में से एक सब्जेक्ट को अपना याद या मतलब प्रैक्टिस करेंगे। तो मॉर्निंग में ही वैसे उठ जाता है, आज तो छुट्टी है। और ये मेरे जो प्रेस रात में मैंने कपड़ों में प्रेस की थी वो मैंने रख दिए यहाँ। और जो कपड़ों में तय लगानी है जो कि मैंने सोफे के बक्से के ऊपर ही रख दिए थे, तो बस उनकी ही तय लगा के रख दे रही हूँ क्योंकि बच्चे वगैरह नहाएंगे तो आराम से सारे कपड़े मिल जाते हैं। और तीनों कपड़ों की अलग अलग अलमारी है तो तीनों बच्चे अपने अपने आप निकाल लेते हैं। और प्रेस की जो यूनिफॉर्म वगैरह मैंने एक मतलब पहले ही प्रेस वगैरह सब कुछ करके रख दी है। और बस यही है ना, और एक तरफ चल रहा है मठा। मठा तो वैसे घी निकलने वाला है और ये अपर, तो अभी ज़्यादा स्वेटर वगैरह तो बच्चे नहीं पहनते हैं, लेकिन तीनों का मैंने अपर निकाल दिया है। तो मॉर्निंग के टाइम पे ये लोग डाल लेते हैं अपर, सर्दी लगती है तो। और अब देखिए, अब तो सर्दी नहीं है क्योंकि मैंने भी स्वेटर उतार दिया है। और अब आ चुके हैं लंच टाइम। तो मॉर्निंग का हमारा सारा ख़त्म हो चुका है, लंच में आज बना रहे हैं कढ़ी चावल। तो कढ़ी मेरी खोलने लग गई है और ये मेरे चावल भी बन चुके हैं गर्मा गर्म। तो आज बच्चों का भी मन था कि गर्मा गर्म, आज छुट्टी भी है तो गर्मा गर्म कढ़ी चावल और रोटी। तो मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं और गर्मा गर्म रोटी। तो बच्चे वैसे रोटी तो नहीं खाते हैं, कढ़ी चावल खाते हैं। तो ये है पकौड़ी वाली कढ़ी। तो फ्रेंड्स, कौन सभी बताइएगा कि किस किस को कढ़ी अच्छी लगती है, किसको नहीं अच्छी लगती है। तो आज मैं बना रही हूँ पकौड़ी वाली कढ़ी। तो जब मैं और ये देखिए, अचानक से हमारे घर पर आ चुके हैं हमारे जो मामा जी हैं, उनके छोटे बेटे की ये वाइफ है।
तो बस वो अपनी मतलब नाश्ता वगैरह किया था तो अपने बर्तनों को साफ़ कर रही है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप ले लूँ। और वो भी बोल रही थी कि भाभी आप ना, मतलब उसे भी थोड़ा सा शर्म सी लगती है ना। और ये है इनका बेटा छोटा सा, तो इनकी मम्मा बर्तन साफ़ कर रही हैं, वहीं पर खड़े हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, तो अचानक से सरप्राइज़ हो गया, अचानक से ही आए थे। तो बस आपको दिखा दे रही हूँ, ये है, आपको पता ही है मोटी आपसे कुछ कह रही है लेकिन तो ये देखिए बाहर जा चुकी हैं, ये भी अपने काम में बिजी हैं। और ये है पकौड़ी वाली कढ़ी, ये बनकर तैयार हो चुकी है। और फ्रेंड्स आज सरप्राइज़ ये है हमारा डिनर, रात का टाइम हो गया है, तो रात के खाने में आज हमारे यहाँ चाउमीन बन रही है। तो ये लोग आए हुए थे तो उन्हीं के लिए एकदम स्पेशल गर्मा गर्म चाउमीन एंड पास्ता दोनों मिक्स करके बना रहे हैं। और ये हम नहीं बना रहे, तो आप हाथों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चाउमीन वगैरह कौन बना रहा है। तो ये है फ्रेंड्स आपका सरप्राइज हटाने ख़त्म करने के लिए, आपको बता ही दूँ कि ये चाउमीन हमारे हस्बैंड जी ने बनाई है, तो बहुत टेस्टी चाउमीन थी फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। और उनके छोटे भाई की बहू मतलब उनके लिए तो एक स्पेशल चाउमीन बटर वाली, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो अभी इसी टाइम के लिए बाय बाय।